नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम बात करें विदिशा जिले के सिरंज के देवपुर में लगने वाले आकर्षक मेले के बारे में। आपको बता दें कि ये मेला माघ महीने में लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। वहीं इस स्थान के बारे में वेदों पुराणों के साथ साथ ही ऐतिहासिक अलौकिक घटनाओं में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे प्राचीन स्थान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज तक हमको आपको इससे जुड़े कुछ खास पहलू के बारे में बताएंगे। दरअसल ये स्थान विदिशा जिले के सिरंज से करीब 15 किलोमीटर दूर देवपुर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर साल त्योहारों पर बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान का वर्णन वेद पुराणों में भी है। वहीं लोगों का मानना है कि यहां जल अभिषेक कर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह मन्नत जरूर पूरी होती है। जब हमारी टीम ने इस स्थान की जांच पड़ताल की तो कई खास पहलू यहाँ देखने को मिले। बताया जाता है कि इस स्थान पर कई गुफाएं हैं जो यहाँ से दूसरे शहरों में निकलती हैं। वहीं इस स्थान पर एक कुंड है जिसमें लोग स्नान कर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही बताया जाता है कि मेले के आयोजन के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ कड़े इंतजाम किए जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ करीब 25 समाज के मंदिर स्थापित हैं और हर मंदिर में एक समिति गठित की गई है, जो कि समिति मंदिर की देखभाल एवं मंदिर की सुरक्षा करती है। समिति के लोगों के द्वारा बताया गया कि ये स्थान काफ़ी पुराना है और यहाँ लोगों को रोकने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों का कहना है कि पर्यटन विभाग अगर इस ओर ध्यान दे तो यह और भी आकर्षक पर्यटन का क्षेत्र बन सकता है, लेकिन पर्यटन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन, होली और मकर संक्रांति पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें मांग कर अपनी मन्नतों को पूरा करने की आशा लेकर के यहाँ पर आते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या नाम है आपका? अरविंद पालीवाल। यहाँ आप समिति के अध्यक्ष हो? जी। अध्यक्ष जी, ये बताइए यहाँ पे जो स्थान है ये कितना पुराना होगा? लगभग बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्थान जो हमारे यहाँ है तो बहुत ही प्राचीन से प्राचीन, बहुत ही मतलब ये लगभग आप मतलब त्रेता युग के जमाने से यहाँ पे स्थान, क्योंकि हम लोगों की भी इतनी उम्र हो गई, हमें भी पता नहीं ये कब से है। ये बहुत ही वर्षों से, पूर्व वर्षों से यहाँ कितने कब कब मेला लगता है यहाँ पे? अपने पूरे साल भर में एक तो ये अपने मकर संक्रांति का मेन मेला होता है, बड़ा मेला, और एक कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है पूर्णिमा उसको भी बड़ा मेला होता है। बाकी के सावन के एक महीने पूरे यहाँ पे चलता है मेला, सूर्य ग्रहण जो ग्रहण पड़ते हैं मेला के सोमवती को अमावस्या को चलता है। मेला के समय कितने श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ कम से कम लाखों में आते हैं? और प्रशासन की ओर से यहाँ क्या व्यवस्थाएं की जाती है? प्रशासन की ओर से यहाँ पे पुलिस बल का हमारा पूरा सहयोग मिलता है और राजस्व के भी हमारे कर्मचारी अधिकारी लगते हैं, और ये हमें पुलिस प्रशासन और राजस्व का सबका सहयोग मिलता है। आपका? विनय सिंह यादव। क्या है मंदिर की आप? मैं इससे द्वारकाधीश मंदिर का अध्यक्ष हूँ। 2007 से अभी तक 14 साल से पूर्णकालिक समय इस मंदिर में दे रहा हूँ। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये मंदिर 3 मंजिल 3 बीघा में बना हुआ है। तो यहाँ साधु सेवा है, रुकने ठहरने की फ्री व्यवस्था है, भोजन पानी की फ्री व्यवस्था है। सैकड़ों श्रद्धालु अनेकों जिलों से पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। अध्यक्ष साहब, ये बताएं ये यहाँ पे कब कब मेला लगता है? यहाँ पे मकर संक्रांति, कार्तिक की पूर्णिमा, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और जितनी भी सोमवंतियाँ वर्षों पड़ती हैं उन सोमवंतियों पे भी बरता, और सावन के महीने में भी बहुत भारी मेला यहाँ। कितने श्रद्धालु यहाँ आते होंगे लगभग? अब ये तो लाखों की तादाद में आते हैं, बहुत भीड़ होती है, गिनना तो संभव नहीं है। प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की जाती है? प्रशासन और पुलिस व्यवस्था रहती है यहाँ पे बढ़िया, पुलिस व्यवस्था तो बहुत अच्छी रहती है, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी सेवाएं देता है। बाकी शासन स्तर पे, उच्च स्तर पे यहाँ पे निर्माण कार्य बहुत कम हो रहा है। पूर्व में पुरातत्व विभाग और पर्यावरण विभाग से कुछ काम हुए थे तो वो भी आधे अधूरे होके ही रह गए, ना जाने वो राशि कहाँ अटक गई, अभी तक यहाँ नहीं आई है। वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? पर्यटन विभाग इस ओर थोड़ी ढील कर रहा है, ना जाने क्या बात है। ठीक है।
द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को